Hello, dear students, how are you? So, dear students, in the last lecture we have discussed about the what is capacitor, okay, and what is the capacitance, okay. कैपेसिटर क्या होता है, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, तो हम लोग देखे थे कि कोई भी एनी कंडक्टिंग बॉडी ओके विच कैन स्टोर द चार्ज ओके दैट इज नोन एज कैपेसिटर, चाहे वो रेंडम शेप का हो या किसी रेगुलर शेप का हो ओके. कोई भी कंडक्टिंग बॉडी अगर होगा तो द कंडक्टिंग बॉडी कैन स्टोर द चार्ज, तो अगर चार्ज को स्टोर कर सकता है कोई बॉडी तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कैपेसिटर. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा कुछ डिस्कस किया था कि हम किसी बॉडी में चार्ज कब तक स्टोर कर सकते हैं, ओके कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं किसी बॉडी में, ओके तो उसकी एक कैपेसिटी होती है. अगर हम एक कैपेसिटी से ज्यादा कोई चीज स्टोर करेंगे तो वो क्या होगा, देयर विल बी लीकेज. ओके, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था इन द लास्ट क्लास, डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि लेट अस कंसीडर हियर इज अ बकेट ओके ऑफ 20 लीटर. ओके, हमारे पास एक बकेट है, ये कितना है, इसका कैपेसिटी कितना है, दैट इज 20 लीटर. हमने क्या किया, इसमें वाटर भरना शुरू किया, हमें इसमें वाटर फिल कर रहे हैं ओके. तो अगर इस बकेट में हम वाटर फिल करेंगे तो ये धीरे 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 भरते भरते जब ये फुल्ली फिल हो जाएगा ओके, देन व्हाट विल हैपन, अगर हम और ज्यादा स्टोर करना चाहें वाटर को, जब ये फुल्ली भर गया ओके, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी लीकेज, देयर विल बी ओवरफ्लो. ओके, तो ये क्या होगा, वाटर का ओवरफ्लो. सिमिलरली व्हाट हैपन्स इफ देयर इज अ कैपेसिटर अ कंडक्टर ओके, इस कंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को स्टोर कर रहे हैं. जैसे जैसे हम चार्ज को स्टोर करते जाएंगे तो कब तक हम स्टोर कर सकते हैं, हाउ मच चार्ज वी कैन स्टोर इन द कंडक्टर ओके, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होता है ओके. अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा चार्ज को हम स्टोर कर देते हैं किसी बॉडी में ओके, देन क्या होगा, देयर विल बी लीकेज ऑफ चार्ज, चार्ज का लीकेज होता है ओके. तो व्हाट इज लीकेज ऑफ चार्ज, कैसे होता है, कब होता है लीकेज, किसी किसी बॉडी से चार्ज का लीकेज कैसे होता है ओके. जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं किसी बॉडी को तो चार्ज का लीकेज कब स्टार्ट होता है ओके, और जब लीकेज होगा तो वेदर द स्टोर्ड चार्ज ऑन द बॉडी विल इंक्रीज और डिक्रीज और विल रिमेन कॉन्स्टेंट. तो क्या होगा, देखो जैसे जैसे हम पानी भरते जा रहे हैं इस बकेट में, जब तक ये बकेट फिल नहीं हो जाएगा ओके, जब तक ये बकेट पूरी तरह से भर नहीं जाएगा तब तक वाटर का लीकेज, वाटर ओवरफ्लो नहीं होगा. जब वाटर का ओवरफ्लो होने लगेगा तब बताओ इस बकेट में कितना वाटर स्टोर किया, 20 लीटर. जब लीकेज होने लगा, ओवरफ्लो हो गया ओके, तब बताओ इसका जितना कितना लीटर स्टोर था, 20. वो लीकेज जब ओवरफ्लो होगा तब 20 से कम हो जाएगा या ज्यादा, दैट रिमेन कॉन्स्टेंट. 20 लीटर था तो 20 रहेगा, अब जितना पानी हम इसमें डालेंगे वो क्या होगा, लीक होके ओवरफ्लो के बाहर आ जाएगा ओके. सिमिलरली हियर डियर स्टूडेंट्स, वी कैन स्टोर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर. अगर हम एक फिक्स्ड अमाउंट कुछ होता है उससे ज्यादा चार्ज स्टोर करने लगेंगे किसी कंडक्टर में तो चार्जेस का क्या होगा, लीकेज होगा. हम इधर से 1 कूलम चार्ज दिए, 1 कूलम चार्ज दो देंगे, वो लीक हो जाएगा. कैसे लीक होता है, लीकेज होने का मतलब क्या है ओके, हाउ द चार्जेस विल लीक फ्रॉम द चार्ज फ्रॉम द कंडक्टिंग बॉडी ओके, लेट अस सी. तो देखो क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी. इफ वी कंसीडर व्हाट हैपेंस व्हेन द चार्ज इज स्टोर्ड इन अ बॉडी, देखो क्या हो रहा है ओके, लेट्स सी. जैसे जैसे हम चार्ज को स्टोर करते हैं देन व्हाट हैपेंस, चार्ज को स्टोर करेंगे देन क्या होगा, लेट्स सी. लेट अस कंसीडर देयर इज अ कंडक्टर, तो हम पहले टाइप्स ऑफ कंडक्टर पे बाद में आएंगे, कितने टाइप के, डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं ओके, विल स्टडी अबाउट इट ओके लेटर. पहले हम लोग देखें डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज अ हाउ द चार्ज विल बी लीकेज ऑफ चार्ज.
चार्ज, चार्ज का लीकेज कैसे होता है। ओके इसमें बहुत सारे हम लोग टर्म्स यूज करेंगे, इसमें इंसुलेटर ब्रेकडाउन क्या होता है, ओके इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ओके क्या होता है विल सी इन दिस। नाउ लेट अस कंसीडर स्टूडेंट्स, हियर इज अ बॉडी, हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें चार्ज को स्टोर कर रहे हैं। जब हम इसमें चार्जेस का स्टोरेज करेंगे देन व्हाट विल हैपन, हमने एक पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज दिया, दिस वाज इनिशियली अनचार्ज्ड, इनिशियली क्या था अनचार्ज्ड, हमने एक पर्टिकुलर एक पॉजिटिव चार्ज इसको दिया, तो इस पॉजिटिव चार्ज को कोई रिपेल करने वाला है क्या, नहीं, दिस इज अ सिंगल चार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने दूसरा जब चार्ज इसको दिया दिस, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर, रिपल्सन के कारण ये क्या होंगे एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। ओके मैक्सिमम कहां जा सकते हैं दूर होके, तो ये सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। हमने थर्ड चार्ज जब दिया तो ये ऑल थ्री विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। ओके तो ड्यू टू द म्यूचुअल रिपल्सन इन बिटवीन दीज थ्री चार्जेस, ये फिर क्या होंगे अपने बीच के सेपरेशन को मैक्सिमाइज करेंगे। ओके तो क्या होगा, ये एक दूसरे से मैक्सिमम जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं उतना कर लेंगे लाइक दिस। ऐसे अगर हम चार्ज को स्टोर करते जाएं धीरे धीरे, देन व्हाट विल हैपन, कंटिन्यूअसली द रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस विल इंक्रीज। ओके रिपल्सन इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बोल देते हैं कि बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, द पोटेंशियल ऑफ दिस बॉडी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा इस बॉडी का। जैसे जैसे हम स्टोर चार्ज को बढ़ाएंगे, स्टोर चार्ज को हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, इस बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, एज वी नो दिस इज चार्ज्ड बॉडी, ओके तो ये क्या करेगा अपने सराउंडिंग में अपने चारों तरफ, इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके तो देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां कैसे देखते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये बॉडी क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेट्स सी, इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, लेट्स सी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा चार्ज हम स्टोर करते जाएंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ओके उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अब देखो क्या हो रहा है, ओके हम क्या बोल रहे हैं कि चार्ज स्टोर करने के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द बॉडी क्या होगा, विल इंक्रीज, अगर हम स्टोर चार्ज को बढ़ाएंगे तो बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। ओके तो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी क्या होगा, विल इंक्रीज, व्हाट एवर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस चार्ज बॉडी, जितना ज्यादा हम इस बॉडी में चार्ज को बढ़ाएंगे स्टोर चार्ज को उतना ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ते 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 बढ़ते, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ेगा देन व्हाट विल हैपन, लेट अस सी। अच्छा ये बताओ ये बॉडी कहां पे रखा हुआ है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं, कहीं हमने रखा है, उसके चारों तरफ क्या है, देयर इज इंसुलेटर, कोई मीडियम, वो मीडियम क्या है, एयर, इसके चारों तरफ क्या है, दैट इज एयर। ओके वी नो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि अगर हम किसी इंसुलेटर को, किसी डाइलेक्ट्रिक को, या किसी कोई कोई भी बॉडी हो, कोई कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग बॉडी, ओके स्पेशली नॉन कंडक्टिंग ले लें जिसको हम डाइलेक्ट्रिक्स बोल देते हैं, किसी डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं देन व्हाट हैपेंस, द चार्ज इज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द बॉडी गेट पोलराइज्ड। ओके पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, इज द एक्युमुलेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस एट टू डिफरेंट एंड्स। ओके तो यहां में देखो क्या होगा, हियर जैसे जैसे हम लोग इस इलेक्ट्रिक स्टोर्ड चार्ज को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस बॉडी विल इंक्रीज
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ने से क्या होगा, यहां में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है इसके चारों तरफ, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, देन वॉट विल हैपन, लेट अस सी हियर. एक एटम है, एक इंसुलेटर, कोई इंसुलेटिंग मीडियम है, ओके किसी मीडियम का एक एटम हमने उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख दिया लाइक दिस, ऐसे चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा देखें हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एक एटम को रख दिया. किसका एटम? इंसुलेटर का, डाइलेक्ट्रिक का, क्योंकि यहाँ चारों तरफ क्या है, एयर, एयर इज इंसुलेटर. तो हमने क्या किया, एक इंसुलेटिंग बॉडी का, इंसुलेटर का एटम लिया और उसको यहाँ पे लाके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख दिया लाइक दिस, यहाँ हियर, ये एक एटम है. ये हो गया इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव. ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द इलेक्ट्रॉन, ओके लेट्स सी व्हाट विल हैपन. ये एक पर्टिकुलर एटम को देख रहे हो, ओके ऐसे सारे सभी के साथ होगा, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ओके डियर स्टूडेंट्स. जब हम देखें कि इंसुलेटर का जो एटम होता है, एक्चुअली इंसुलेटर, इंसुलेटर या कोई भी इंसुलेटर हो, कंडक्टर हो, कोई भी मैटर का जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज. तो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है बाय द फोर्स ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज. तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, ओके पुलिंग फोर्स, अपनी तरफ खींचता है बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के एटम में लगता है, ओके वो किसी भी बॉडी का एटम हो, किसी भी मैटर का एटम हो, ओके किसी सब्सटेंस का, हर किसी के एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है और ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन, ओके. दिस अट्रैक्शन फोर्स, ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ऑफ न्यूक्लियस ओवर द इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, कंडक्टर्स में सबसे कम होता है. न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है वो कंडक्टर्स में क्या होता है, इज वेरी वीक. बहुत वीक होने के कारण क्या होता है, एट द रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ के फ्री हो जाते हैं, ओके इसीलिए जब सुनते आया होगा, हम लोग सुनते आए होंगे, ओके कि कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, बिकॉज द अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट इज वेरी वीक इन द कंडक्टर. नाउ सी इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर बोले या डाइलेक्ट्रिक्स बोले, ओके डाइलेक्ट्रिक्स बोलने का मतलब इंसुलेटर, ओके इंसुलेटर में क्या होता है, तो इंसुलेटर में ये जो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी मच स्ट्रॉन्ग, ओके. और ये अट्रैक्शन फोर्स अगर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स या उतना ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा. मान लो इस इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ के खींच रहे हैं इधर की तरफ, बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमको अगर ये अट्रैक्शन फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है, ये फोर्स कम होगा तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में. तो न्यूक्लियस जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स का एटम में न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ओके न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, खींच के रखता है उसको पकड़ के, ओके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने, फ्री नहीं होने देता जल्दी. तो देखो हमने क्या किया, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां में देखें, ओके व्हाट इज हैपनिंग हियर, देखें थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं तो ताकि हमको क्लियर दिखे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर. लेट्स सी थोड़ा इस डायग्राम को क्लियर करते हैं. लेट्स सी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई ये इंसुलेटर का ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है, ओके ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
खींच के रखा है बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन फोर्स कौन लगा रहा है? न्यूक्लियस। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या किया, इस डायलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो व्हाट विल हैपन, हमने पढ़ा है कि जब भी किसी चार्ज बॉडी को, चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या करता है, फोर्स लगाता है चार्ज पार्टिकल पे। इफ द चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव तो फोर्स किधर लगता है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ द चार्ज पार्टिकल इज निगेटिव तो उस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हियर इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव चार्ज पार्टिकल, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, विल बी इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ। और कितना होगा, द फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन दिस एफ विल बी इक्वल टू कितना, क्यू इंटू ई, ई इंटू ई, क्यू क्या होता है चार्ज, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, दैट इज ई इंटू ई। अब देखो ये फोर्स तो कॉन्स्टेंट है ना, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, दैट फोर्स इज कॉन्स्टेंट फिक्स वो, ओके, वो ना बढ़े बढ़ रहा है ना घट रहा है। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जब, देन व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अनदर फोर्स, किसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा देखो, अगर ये फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इफ दिस फोर्स इज वीकर देन दिस वन, अगर एफ ए ये ऐसा कुछ हो, ओके, दिस एफ इज लेस देन क्या है डियर स्टूडेंट्स, इज लेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, ओके। अगर हम इस, अब अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना है, देन व्हाट विल हैपन, क्या करना, हम अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना है तो हमको क्या करना चाहिए, ओके, हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को अगर हम बढ़ाते हैं, देन व्हाट विल हैपन हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कॉन्स्टेंट है, ई बढ़ेगा एफ बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाया, देखो क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जब हम बढ़ाएंगे देन क्या होगा, यहां से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो इस पे लगने वाला फोर्स, ये जो इधर की तरफ फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, वो क्या होगा, बढ़ेगा। जब ये फोर्स बढ़ेगा और ये जब बढ़ते 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 कंटिन्यूसली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं, तो दिस फोर्स विल इंक्रीज, और ये फोर्स इंक्रीज होते होते बढ़ते बढ़ते जब ये इस अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, ओके, व्हेन दिस एफ विल बी ग्रेटर देन, विल बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या, दिस अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन। जब ये फोर्स इस एफ ए से ज्यादा या उसके इक्वल हो जाए, ओके, देन व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री, इलेक्ट्रॉन इस एटम को, अपने एटम को छोड़ के, इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन था ये, इस एटम को छोड़ के कहां चला आएगा, बाहर, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री, ओके, ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के क्या हो जाएगा, फ्री, देन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम विल बिकम फ्री। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो उस इंस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया देन हम क्या बोलेंगे, क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ओके। सो द इंस्टेंट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री इन द ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, क्यों फ्री हुआ,
क्योंकि हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया तो इधर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ा, जिससे इस पे लगने वाला फोर्स जब ये ज्यादा या इक्वल हो जाएगा देन इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इंसुलेटर के एटम को छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो हम क्या उसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ओके, क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है एट दैट इंस्टेंट व्हाट इज द अप्लाइड स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इंसुलेटर ब्रेकडाउन हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया, उस इंस्टेंट पे हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। सो स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज द मिनिमम इज द मैक्सिमम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक ओके विथ विच द डाइलेक्ट्रिक कैन बी विथस्टैंड। ओके, मैक्सिमम कितना फील्ड हमने अप्लाई किया, ओके कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, ओके कब तक हम इसको बढ़ाते जाएं, जब तक कि इंसुलेटर में ब्रेकडाउन ना हो। ओके, इंसुलेटर ब्रेकडाउन होने से पहले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इज द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बिफोर द ब्रेकडाउन। ओके, दिस तो देखो क्या होगा यहां पे, हियर लेट्स डियर स्टूडेंट्स क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, स्टोर्ड चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, और जब पोटेंशियल बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो यही होगा, इसके चारों तरफ बताओ क्या है, इसके चारों तरफ डियर स्टूडेंट्स हम देखें इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ इस चार्ज, ये जो बॉडी है हमारा कंडक्टिंग बॉडी, इसके चारों तरफ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एयर के मॉलिक्यूल्स ऐसे बड़ा बड़ा बना दे रहा है, दीज आर एयर के, ऐसे बड़े बड़े बना देता है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स या एटम्स बोले, ओके दीज आर एटम्स ऑफ एयर, एयर के क्या है एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी बोलो, ओके एटम्स। तो यहां में क्या होगा, ये इनका न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे देखो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ओके यही पे हो रहा है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो इस पे लगने वाला इधर की तरफ फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ते 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 डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ओके, तो यहां पे देखो क्या होता है, जैसे जैसे हम चार्ज को, स्टोर्ड चार्ज को बढ़ा रहे हैं, एज द स्टोर्ड चार्ज विल बी इंक्रीज, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा एंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो इंक्रीज। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते किसके इक्वल हो जाए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल जब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे जो इलेक्ट्रिक साउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन क्या होगा, ये क्या इंसुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स, ओके ये एटम्स, तो इनमें क्या होगा, ब्रेकडाउन। ओके, देखो इस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, उसके अपोजिट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 जैसे जैसे स्टोर्ड चार्ज बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग विल इंक्रीज, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते किसके इक्वल हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो गया, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, ओके यस, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के जब इक्वल हो जाएगा, ओके देन व्हाट विल हैपन, किसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एयर का, ओके एयर एक डाइलेक्ट्रिक, एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाए,
ओके या उससे ज्यादा हो जाए, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी इंसुलेटर ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपना एटम छोड़ के इधर चलाएगा। अब देखो मान लो ये जस्ट हमने पहुंच गए हैं पीक लेवल पे, अभी जस्ट डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने वाला, ओके तो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। एट दिस इंस्टेंट लेट द स्टोर्ड चार्ज एंड पोटेंशियल कितना है देखे बॉडी का, ओके हमने क्या किया, चार्ज को बढ़ाते 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 कितना ले गए, लेट्स से 100 कूलॉम या 70 कूलॉम, कितना कर दिया 70 कूलॉम, चार्ज को बढ़ाते हुए स्टोर चार्ज को बढ़ाते बढ़ाते कितना किया, धीरे धीरे कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, चार्ज बढ़ते बढ़ते 70 कूलॉम हो गया। हम देखे चार्ज बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेट्स से 100 वोल्ट। इस बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, 100 वोल्ट, ओके यस। नाउ सी व्हाट विल हैपन, अब हम देखे कि हमने क्या किया, हम जब 100 वोल्ट पे पहुंच गए तो हमने देखा कि अगर अब हम स्टोर्ड चार्ज को बढ़ा रहे हैं, अगर हम अब स्टोर्ड चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं चार्ज बढ़ ही नहीं रहा, क्या हो गया, डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब हमने एक पॉजिटिव चार्ज इधर से दिया, ये देखो रेड कलर कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज दिया इस बॉडी को, क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज दिया तो इधर से ये ब्रेकडाउन हुआ, ओके एट 100 वोल्ट हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ किसके इक्वल हो गया, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, तो ये क्या होगा ब्रेकडाउन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से अपना एटम छोड़ के इधर आ गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और ये एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैसे देते हैं, यहां से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये एक पॉजिटिव दिया है, एक निगेटिव इधर से आ गया, दोनों मिलके क्या हो गया न्यूट्रल, फिर हमने एक पॉजिटिव चार्ज दिया इधर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर दोनों मिलके क्या हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या हो गया, फिर न्यूट्रल, फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक पॉजिटिव चार्ज दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, मिलके दोनों क्या हो गए न्यूट्रल, तो बताओ अब स्टोर्ड चार्ज बढ़ रहा है क्या, नहीं, अब हम देख रहे हैं कि स्टोर्ड चार्ज कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब अब जो हम चार्ज दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो लीक हो जा रहा है, ओके क्यों लीकेज हो रहा है, बिकॉज इसके चारों तरफ जो इंसुलेटर था उस इंसुलेटर का क्या हो गया ब्रेकडाउन। तो कुछ समझ में आए कि हम किसी बॉडी में कब तक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, तो वी कैन स्टोर द चार्ज इन अ बॉडी इन अ कंडक्टिंग बॉडी अंटिल द इंसुलेटर अंडरगोस द ब्रेकडाउन, जब तक इंसुलेटर का ब्रेकडाउन ना हो जाए, ये जो इंसुलेटर्स हैं चारों तरफ जो मीडियम है डाइलेक्ट्रिक से, जब तक डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर जो बोले ये जो मीडियम है डाइलेक्ट्रिक मीडियम चारों तरफ, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जब तक ब्रेकडाउन ना हो जाए तब तक हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं किसी बॉडी में, जब ब्रेकडाउन हुआ देन वॉट एवर चार्ज विल बी स्टोर दैट विल बी लीक, ओके। अब इंसुलेटर ब्रेकडाउन होने के बाद में जो भी चार्ज हम देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, ओके तो नोट करके लिख लो, ओके क्या होता है, नोट करके इसको हम लिख ले कि क्या होगा, अगर हम चार्ज कब तक स्टोर कर सकते हैं किसी बॉडी में, जब तक कि उसके सराउंडिंग में जो डाइलेक्ट्रिक्स है उसका ब्रेकडाउन ना हो जाए, ओके दिस। सो नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखो, द चार्ज कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी कंडक्टिंग बॉडी अंटिल द डाइलेक्ट्रिक्स इन द सराउंडिंग ऑफ बॉडी in the surrounding of the body undergoes dielectric breakdown, dielectric breakdown, breakdown,
हम तब तक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ओके, कब तक स्टोर कर सकते हैं? जब तक कि डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन ना हो जाए। ओके, जब डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाएगा देन जितना हम यहाँ पे एक पॉजिटिव देंगे तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ब्रेकडाउन होकर। ओके, फिर दूसरा पॉजिटिव दिए तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर तीसरा पॉजिटिव दूसरे किसी मॉलिक्यूल्स एटम से आ गया इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखेंगे क्या होगा, जो भी हम एक्स्ट्रा अब चार्ज स्टोर कर रहे हैं वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इंस्टेंट द चार्ज विल बी लीक। ओके, या इस प्रोसेस यहाँ पे जब हम चार्ज स्टोर करते करते चार्ज को स्टोर करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है बॉडी का, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है चारों तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द इंसुलेटर, हर किसी मीडियम का अपना एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। ओके, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एयर है चारों तरफ, एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगा, देन वॉट विल हैपन, वॉट एवर चार्ज विल बी गिवेन, क्या होगा, ब्रेकडाउन, डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ एक पॉजिटिव दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक पॉजिटिव दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक पॉजिटिव दिया, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल, एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल, अब न्यूट्रलाइज होते जाएगा। मीन्स अब इससे ज़्यादा हम चार्ज नहीं स्टोर कर सकते। ओके, तो चार्ज हम तब तक स्टोर कर सकते हैं अनटिल क्या ना हो जाए, इंसुलेटर ब्रेकडाउन या बोले डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन। जब डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हम चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। ओके, दिस नाउ अब देखो कुछ तरीका है क्या, अगर हमको ज्यादा चार्ज स्टोर करना और ज्यादा तो क्या करते हैं। ओके, अगर हमको ये हमने 70 कूलॉम स्टोर किया तब देख रहे हैं कि अब 70 से ज्यादा जब स्टोर कर रहे हैं तो डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जा रहा है, चार्ज का लीकेज हो जा रहा है, 70 से बढ़ ही नहीं रहा है, मैक्सिमम कितना स्टोर कर पा रहे हैं 70। इससे ज्यादा अगर हमको चार्ज को स्टोर करना है देन व्हाट वी शुड डू। ओके, तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, अब एक क्या करेंगे, एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को लाके इसके पास में रख देते हैं। देखेंगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कोई भी कैपेसिटर जब देखेंगे तो वहां में पढ़ेंगे हम लोग कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी होता है, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी उसके पास में रख देते हैं। ओके, क्यों रखते हैं, लेट्स सी। अब देखो हम क्या करेंगे, टू स्टोर मोर एंड मोर चार्जेस। ओके, 70 कूलॉम स्टोर कर पा रहे हैं, 70 से ज्यादा स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, ओके करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक निगेटिवली चार्ज बॉडी को लाके यहाँ पे रख देंगे। ये देखो ये बॉडी था, ओके यहाँ पे, और ज्यादा चार्ज को स्टोर करना है तो क्या करेंगे, दिस वॉज द चार्ज बॉडी, हमने कितना कूलॉम चार्ज स्टोर किया था, 70 कूलॉम दिस। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके पास में लाके एक निगेटिवली चार्ज बॉडी रख देते हैं, क्या करते हैं, इसके पास में लाके एक निगेटिवली चार्ज बॉडी रख देंगे। इस पे चार्ज कैसा है, निगेटिव, तो जब हम लाके यहां में एक कुछ दूरी पे रखेंगे, पास में टच नहीं करेंगे नहीं तो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। ओके, यहां पे लाके एक निगेटिव चार्ज बॉडी रख दिया और ये पॉजिटिव है, तो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। इस बॉडी पे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था, इस बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब लीकेज हो रहा था तो कितना था, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इतना हो जाता था कि इलेक्ट्रिक की इंसुलेटर ब्रेकडाउन हो जाता था, लीकेज होने लगता था। ओके, अब इस लीकेज को अवॉइड करने के लिए या बोले चार्ज को और ज्यादा स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, ओके देखो अब क्या करेंगे, लेट्स ये केस में ब्रेकडाउन हो रहा था पहले। ओके, जब हमने निगेटिव चार्ज बॉडी लाके रख दिया तो इस बॉडी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पहले कितना था इस बॉडी का पोटेंशियल, तो पहले मान लो कितना था, 100 वोल्ट, जब ये सिंगल अकेला था, जब हमने 70 कूलॉम चार्ज स्टोर किया था, ये फिर से लिख ले रहे हैं, 70 कूलॉम चार्ज स्टोर किया था तो इस बॉडी का पोटेंशियल कितना था, 100 वोल्ट। अब ब्रेकडाउन हो जाता था, ठीक, मतलब लीकेज हो जाता था, कोई भी चार्ज देते थे
लीकेज हो जाता था। कैसे होता था वो पीछे देख। ठीक, अब हमने यहां पे लाके एक निगेटिव चार्ज बॉडी रख दिया। जब हम लाके यहां पे एक निगेटिव चार्ज बॉडी रख देंगे, ओके, देन व्हाट विल हैपन? निगेटिव चार्ज बॉडी रखने से इसका पोटेंशियल ऑफ दिस बॉडी क्या हो जाएगा? अपना खुद के कारण कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 वोल्ट। ये निगेटिव चार्ज बॉडी को लाके रखा तो इस बॉडी के कारण यहां पे पोटेंशियल कितना है, मान लो -20 वोल्ट। इसके कारण यहां पे पोटेंशियल कितना हो गया, -20 वोल्ट। तो इस बॉडी का भी पोटेंशियल कितना हो गया, इस निगेटिव वाले के कारण -20, तो अभी इस बॉडी का पोटेंशियल कितना हो गया? स्टोर्ड चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो देखें अभी इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 80 वोल्ट। अब देखो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया। जब इस बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब घट गया, कितना हो गया, 80 वोल्ट। 100 अपने कारण था, इसके कारण -20, तो टोटल कितना हो गया अभी, 80 वोल्ट। अब और हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तो चलो फिर हमने चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। अब हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, जब तक कि फिर ना इस बॉडी का पोटेंशियल 100 हो जाए। ओके, तो हम फिर से चार्ज का स्टोरेज स्टार्ट कर दिए, हमने चार्ज स्टोर करना स्टार्ट। जब हम चार्ज स्टोर करना बढ़ाएंगे, चार्ज स्टोर चार्ज को बढ़ाएंगे, देन व्हाट विल हैपन? स्टोर चार्ज को हम बढ़ाते 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 कितना कर दिए, लेट से 85 कूलम। जब हमने 85 कूलम किया स्टोर चार्ज को बढ़ा के, फिर देखा इस बॉडी का पोटेंशियल कितना हो गया, 100 वोल्ट। फिर ब्रेकडाउन हो गया। यहां पे एक बार ब्रेकडाउन होता था, ये ब्रेकडाउन हो जाता था, ओके, लीकेज हो जाता था, इंसुलेटर ब्रेकडाउन हो जाता था 100 वोल्ट पे, हो गया था। तो इसीलिए हमने लाके नेगेटिव चार्ज बॉडी रख दिया, तो इसका पोटेंशियल घट के कितना हो गया, 80। फिर से हमने स्टोरेज चार्ज को बढ़ाया, स्टोर चार्ज को बढ़ाया, तो कितना और स्टोर किया, 70 पहले था, 15 और स्टोर किया। तो 15 और जब स्टोर किया, देखा फिर से पोटेंशियल इसका बढ़ के कितना हो गया, 100। फिर से ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर से ब्रेकडाउन, मतलब अब और चार्ज अगर हम स्टोर करेंगे तो लीकेज होगा, फिर इंसुलेटर ब्रेकडाउन होगा, वही हम जितना एक पॉजिटिव देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से निगेटिव आके न्यूट्रल कर देगा, मतलब देयर विल बी नाउ लीकेज ऑफ चार्ज। अब देखो क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर स्टोरेज को और बढ़ाना है, चार्ज का स्टोरेज और बढ़ाना है, हमने कितना स्टोर किया अभी तक, पहले कितना कर पा रहे थे, 70, अभी हमने जब नेगेटिव बॉडी ला के रख दिया तो कितना कर पा रहे हैं, 100, 85। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कैपेसिटर को लेके, कि हम अपने स्टोरेज को, अपना इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करें। इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किसके फॉर्म में कर रहे हैं, चार्ज के फॉर्म में। तो जितना ज्यादा हम स्टोरेज रख पाएंगे वो हमारे लिए बेटर होगा, ओके, तो वही हम करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, और बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, एयर के अलावा कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने इसमें, जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना हो, के, ये कोई डाइलेक्ट्रिक लाके भर दिया इसमें, डाइलेक्ट्रिक एक्सेप्ट एयर, ओके, एयर का ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता, ओके, एयर के अलावा कुछ लाके और भर दिया। तो देखें जब इसको हम फिर यहां पे फिलअप कर देंगे, फिर इस बॉडी का पोटेंशियल के टाइम्स कम हो जाएगा, ओके, इस बॉडी का पोटेंशियल फिर घट के क्या हो गया, लेट से फिर से घट के 90 वोल्ट हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, फिर हम स्टोर चार्ज को बढ़ा सकते हैं, फिर से स्टोर चार्ज को बढ़ा सकते हैं। हमने बढ़ा के कितना कर लिया, लेट से इसको कर लिया हम 95 कूलम। जब हम इसको बढ़ा के 95 किए, 95 चार्ज को, स्टोर चार्ज को बढ़ा के कितना कर लिया, 95 कूलम। तो फिर देखा इस बॉडी का पोटेंशियल कितना हो गया, चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर 100 हो गया, फिर क्या हो गया, ब्रेकडाउन। तो देखो कितना हमने क्या किया, स्टोर चार्ज को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, पहले 70 कूलम स्टोर कर पाते थे मैक्सिमम, उसके बाद लीकेज हो जाता था, फिर हमने नेगेटिव चार्ज बॉडी रखा तो कितना कूलम स्टोर कर पा रहे हैं, 85। और ज्यादा स्टोर करना है तो हमने क्या किया, इसके बीच में जो दोनों बॉडीज के बीच में स्पेस, इसमें डाइलेक्ट्रिक्स भर दिया,
ओके तो अब और हम ज्यादा चार्ज, पहले 70 पे ही ब्रेक डाउन हो जाता था, लीकेज होता था, अभी हम 95 कूलॉम स्टोर कर सकते हैं इस बॉडी में। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, लीकेज ऑफ चार्ज का ये कुछ इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या होता है लीकेज, कब होता है, जब इंसुलेटर का ब्रेक डाउन होता है। इंसुलेटर का ब्रेक डाउन कब होता है, जब द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द इंसुलेटर ओके एक्सीड्स द स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ओके स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन अप्लाई ओके बिफोर द ब्रेक डाउन, दैट इज नोन एज इंसुलेटर ब्रेक डाउन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्चुअली है कितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। ओके वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होता है, ब्रेक डाउन से पहले मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी तो ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके ब्रेक डाउन होने का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर दिस मच इज इनफ, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द सम न्यू कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। ओके एंड विल सी द ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। ओके कैपेसिटर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। ओके विल सी द कोएक्सियल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके सो विल स्टडी अबाउट ऑल अबाउट इट। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ओके सो कुछ भी डाउट होने से यू मे आस्क मी। ओके